आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और हंसता हुआ चेहरा देखते हो और 100 रुपया देते हो, पता चलता होगा। मम्मी जाती होगी सिलेंडर लेने, 410 का था, 1200 रुपये देती होगी, अच्छा लगता होगा। हम शेर पालेंगे, भारत का शेर है मोदी। हम सवाल क्या है, सर ने बोला महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। भावना गवली, हमारे यहाँ 100 करोड़ की एब्सकॉन्डिंग है और वो सीधा लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलती है, लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री जी के घर में निकलती है, राखी बांधती है, उनकी ईडी की इंक्वायरी खत्म, बंद हो गई। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में आप लोग सुनेंगे स्टूडेंट के 3 सवाल और एक अनभक्त की महंगाई पर एनालिसिस, जिसको सुनकर आप लोगों को गुस्सा तो बहुत आएगा लेकिन हंसी भी आएगी। और अगर आप लोगों को ये दोनों चीज आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। स्टूडेंट का पहला सवाल, अभी 3 राज्यों का नतीजा है और राहुल गांधी जो टॉप लीडर है कांग्रेस के, वो एक जगह मेघालय में गए, क्या 24 में आप लोग चमत्कार कर देंगे क्या एक बार? विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, ये दोनों चुनाव में अंतर होता है। जैसा मध्य प्रदेश हमने जीत लिया था, कर्नाटक जीत लिया था, महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी ने जीता था, लेकिन बीजेपी की सीटें जो है विधानसभा में कम हो गई, सरकार से भी जाना पड़ा। तो विधानसभा और लोकसभा के दो नतीजे जो है वो अलग अलग आते हैं। और रही बात तो प्लेन्स के जो अपने विषय है, बेसिकली जो हम आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और हंसता हुआ चेहरा देखते हो और 100 रुपया देते हो, पता चलता होगा। मम्मी जाती होगी सिलेंडर लेने, 410 का था, 1200 रुपये देती होगी, अच्छा लगता होगा। हाँ, आटा है नहीं, इश्यूज है ये, तो ये इश्यूज पे 2024 का चुनाव जो है वो इन इश्यूज पे होगा। बेरोजगारी और महंगाई बड़ा इशू है, हर व्यक्ति को वो छूता है, हर व्यक्ति को उसकी तकलीफ है, तो ये इश्यूज जो है ये इश्यूज 2024 के लोकसभा में पड़े रहने वाले जो हमारे मुद्दे रहेंगे। क्या बात है सर। स्टूडेंट का दूसरा सवाल, मेरा सवाल कांग्रेस है, अभी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ले गई तो आपने कहा सही हुआ, और कांग्रेस नेताओं पर जब सीबीआई रेड मारती है तो आप लोग कहते हैं कि गलत हुआ। आप पर जनता भरोसा कैसे करे, एक तरफ सही एक तरफ गलत, आप लोग स्टैंड सही नहीं ले पाते हैं सही से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विंटर सेशन में ये बात उठी थी कि गलत इस्तेमाल जो है एजेंसियों का, इसके खिलाफ संसद में जब खत दिया गया था प्रेसिडेंट को तो उस पर आपने सिग्नेचर नहीं किया था, ये बात अलग है। लेकिन जो इस्तेमाल है वो लोगों को समझ चुका है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल होता है, ये कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किया है, तो ये बात तो एकदम खुले है। क्योंकि मनीष सिसोदिया, मेरा उनसे एक उल्टा सवाल है थोड़ा भाई से, अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या वो जेल में रहेंगे? चले ठीक है। मुकुल रॉय है, भावना गवली, हमारे यहाँ 100 करोड़ की एब्सकॉन्डिंग है और वो सीधा लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलती है, लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री जी के घर में निकलती है, राखी बांधती है, उनकी ईडी की इंक्वायरी खत्म, बंद हो गई। प्रताप सरनाइक का बंद हो गया, यशवंत यादव का बंद हो गया, मुकुल रॉय का बंद हो गया, चार सांसद नहीं है, झूठ बोल रहा है। नहीं बिल्कुल एब्सकॉन्डिंग नहीं है, नहीं है भावना गवली एब्सकॉन्डिंग। किस सोमैया ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे 100 करोड़ के, उनके यहाँ एक साथ शाउटिंग मैच नहीं। स्टूडेंट का तीसरा और आखिरी सवाल, मेरा सवाल बीजेपी से है, क्या लगता है कि 2024 में मिडिल क्लास फैमिली जैसे महंगाई फेस कर रही है तो उनके वोटर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जब तक बीजेपी का कोई मेन अल्टरनेटिव, अच्छा अल्टरनेटिव अभी नहीं है, जब तक नहीं आता क्या बीजेपी अभी ऐसी रहेगी? आप जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, महंगाई के मुद्दे पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, जनता त्रस्त है महंगाई से, ये उनका सवाल। देखिए 2004 से 2014 के बीच में जब विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी और अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री था, तब एवरेज इन्फ्लेशन रेट मुद्रास्फीति की दर 10 थी। आज कोरोना जैसी स्थिति में भी अगर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% है, इसका कारण है कि अगर महंगाई बढ़ती तो उसको नियंत्रित करने की दिशा में हम काम करते हैं। दोस्तों, मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब 2004 से 2014 तक इन्फ्लेशन रेट 10% का था तो पेट्रोल 72 रुपीज का था, और अब जब इन्फ्लेशन रेट 5% का है तो पेट्रोल 100 रुपए का कैसे? पेट्रोल तो फिर 36 रुपए लीटर होना चाहिए। जब इन्फ्लेशन रेट 10% से 5% हो गया है तो पेट्रोल भी 72 रुपीज से 36 रुपीज होना चाहिए। इसका मतलब बीजेपी सरकार पूरी जनता को बेवकूफ बना रही है। दुनिया में
बैरल 111 डॉलर पर बैरल था, अभी 18 डॉलर तक नीचे है, अभी भी 80 है, लेकिन 32 रुपया और 33 रुपया टैक्स लगा के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो 1 रुपया से 18 रुपया लगाकर महंगाई थोपी गई है। जीएसटी जो है 50% नीचे ये पेट्रोल डीजल के महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में ये पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाते, हम तो जो है एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार आई महंगाई के विरोध कर रहे थे, आते ही 2 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। तो साहब आपकी बात में साख बचती नहीं है, नहीं, नहीं। आप जो आरोप लगाते हैं पता लगा आप ही के ऊपर वो आरोप घूम कर चला आता है। अब सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब। तो ऐसा है कि 3 रुपया 40 पैसा और 9 रुपया 56 पैसा और 32 रुपया 90 पैसा और 31 रुपया 93 पैसा, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और इन्होंने 18 रुपए किया और सारे सेस में लगाए 27 लाख करोड़ रुपए ले लिया, जबकि 111 डॉलर से गिरकर 18 डॉलर तक कोविड में आया था, नहीं दिया। इन्होंने राज्यों को तरसाया कंपेंसेशन के लिए, जीएसटी कंपेंसेशन के लिए, जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसका पैसा नहीं दिया। जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता थी 1 लाख करोड़ तक का पैसा जो सेंट्रल के पास था, जो योजनाओं का था, जो टैक्स डिवोल्यूशन का था, जो जीएसटी कंपेंसेशन था, नहीं दिया। इनका अगर सत्ता नहीं है तो हाथ मरोड़ो। और अब अंधभक्त की बारी। इस अंधभक्त ने बोला मोदी जी शेर है और मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसको देखकर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो स्टूडेंट है। अगर आप लोग को लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सर शेर पालने में ज्यादा खर्च जाती है बिल्ली पालने में, क्योंकि हमारे मोदी जी शेर है, हम शेर पालेंगे, खर्च उठाएंगे उसे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम शेर पालेंगे, भारत का शेर है मोदी। सवाल क्या है? सर ने बोला महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। 2004 में 4 की देख लीजिए आप, पेट्रोल की रेट 36-34 रुपए थी और 2014 तक रही कांग्रेस, उसकी भी रेट देख लीजिए 76 रुपए करके बीजेपी को दी। तो जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे महंगाई आती रहेगी, जाती रहेगी। क्या पढ़ रहे हो? तो मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। सर 2004 का भी देख लीजिए आप प्राइस पेट्रोल की और 2014 तक का भी देख लीजिए जब कांग्रेस में थी, आप देख लीजिए सर गूगल करके। आपके सवालों में ही आपके सारे जवाब है, और आप अगर प्रधानमंत्री को ऐसा मानते हैं तो मैं वो आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।